कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्न 9.3 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। प्रश्न 29 यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि संख्या ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी है। मान इसके हल में भी हम मान लेंगे क्योंकि ए समांतर माध्य माना संख्या ए ए तथा बी है तब क्या समांतर माध्य, तब हम इनका समांतर माध्य निकाल रहे। तो समांतर माध्य हमारे पास आएगा ए बराबर इसे ए प्लस बी बाय टू, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ए। ये समीकरण एक। कौन सा? गुणोत्तर माध्य। यदि ध्यान से देखिए तो हमारे पास गुणोत्तर माध्य यानी कि जी आ जाएगा करणी ए बी, जब वर्ग करेंगे तो जी स्क्वायर बराबरी से क्या आ गया ए बी, ये जो बी के और ए के ऊपर करणी चिन्ह था वो हट गया, इसको कहा समीकरण नंबर दो। इसी को यदि हम पक्षांतर कर दें तो हम लिखें, ध्यान दीजिए ए धन बी बराबरी से दो है, इसी को अगर हम पक्षांतर करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसलिए बी बराबरी से टू ए माइनस स्मॉल ए, इसको लिखा समीकरण नंबर कौन सा? तीसरा। और इस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर सकते रख सकते हैं, तो इसको रखने पर क्या लिखेंगे समीकरण दो में, समीकरण तीन से क्या करने पर मान रखने पर क्या आएगा ए एन टू ट्वाइस ए माइनस ए बराबरी से क्या जी स्क्वायर। इसका हल करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास मान लो कि हमने ए का माइनस ए में गुणा करके दाहिनी तरफ पक्षांतर कर लिया तो ये प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ए का टू ए में गुणा करके दाहिनी तरफ पक्षांतर कर लिया तो माइनस टू ए ए हो जाएगा, और जी स्क्वायर तो पहले ही से धनात्मक था। अब ये हमारे पास क्या वर्ग समीकरण बन गया, तो हम जानते हैं वर्ग समीकरण के सूत्र से क्या हम इसको लिख सकते हैं ए बराबरी से बी वाला पद माइनस टू ए माइनस टू ए माइनस माइनस प्लस टू ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स टू ए का होल स्क्वायर, दो दुनी चार ए माइनस फोर ए सी, ए का मान एक सी का मान जी फोर जी स्क्वायर बाय टू ए का मान एक। इसको हल करेंगे तो आगे देखिए ए बराबरी से टू ए प्लस माइनस, यहाँ से टू को कॉमन निकाल सकते हैं हम, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर बटे दो, तीनों पदों में दो है तो दो से दो क्या हो जाएगा कट जाएगा, दो से दो जैसे ही कटेगा तो ए बराबरी से ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। अब इसके दो गुणनखंड बनाए जा सकते हैं, हम इसे सब जानते ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारे पास ये आ जाएगा ए बराबरी से ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। अब हम जानते क्या कि बी बराबरी से क्या था टू ए माइनस ए था, इसमें हम इसका मान रख देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ध्यान दीजिए हमारे पास आ जाएगा बी बराबरी से टू ए माइनस क्या ये ए प्लस माइनस अंडर रूट पहले में ए प्लस जी दूसरे में ए माइनस जी, तो क्या होगा ए से ए घट जाएगा, ए के घट गया लेकिन प्लस माइनस किस में
माइनस प्लस में चेंज हो गया अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी। अतः ए भी जो संख्या है, अतः क्या ए भी जो संख्या है, ए भी जो हमारे पास संख्याएं होगी वो क्या होगी, वो होगी ए प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी ए माइनस जी है। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने से इसका धन्यवाद।